नमस्कार सभी स्टूडेंटों को जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीए पार्ट बीएससी पार्ट बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट हैं। मैं उन सभी स्टूडेंटों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। आपकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। बीए बीएससी बीकॉम पार्ट सेकंड जितने भी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आपके एग्ज़ाम 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आपके 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपके टाइम टेबल आ चुका है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई टाइम टेबल के बारे में कोई कंफ्यूजन है, उनको नहीं मिल रहा है, तो वो बाकायदा मेरे साथ संपर्क कर लें, मैं आपको टाइम टेबल भेज दूँगा व्हाट्सएप पर। आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 20 अक्टूबर से है। सभी के एग्ज़ाम 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। बीए बीएससी बीकॉम पार्ट सेकंड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट अभी भी विचलित थे कि हमारा एग्ज़ाम कन्फ्यूज़न में है, तो आज अपना कन्फ्यूज़न सारा निकाल देंगे। अब आपको तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। 20 तारीख 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आप चाहें तो कितनी भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी अपने सारे सब्जेक्ट तैयार कर लें, सबकी अच्छी तैयारी कर लें, ताकि आपके सेकेंड ईयर के जो मार्क्स हैं उस मार्क्स के हिसाब से और फाइनल के एग्ज़ाम के हिसाब से दोनों का कैलकुलेशन करके ही आपका फर्स्ट ईयर का जो है वो एवरेज निकलेगा। सेकेंड ईयर में अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपको फाइनल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपकी डिग्री जो है वो 50% से ऊपर चली जाएगी। कोशिश आप यही करिए कि आपके 70% 80% बने, लेकिन आपको अच्छी तैयारी करनी है। आपको काफ़ी समय मिल चुका है, कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम की डेट क्लियर है, आ चुकी है और एग्ज़ाम आपको देना है। अगर कोई भी स्टूडेंट कई प्रकार की गलतफहमियों में रहते हैं, अब सबसे बड़ी गलतफहमी ये आ रही है कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के जो 20 तारीख से एग्ज़ाम देंगे, इन स्टूडेंटों को फर्स्ट ईयर में जो प्रमोट किया गया था, उस प्रमोट में उनके कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो सारे क्लियर हो गए। उनको कंपलसरी कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है, उनको सिर्फ एग्ज़ाम देना है वो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं, 3 और 3 6 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो आपको 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके टाइम टेबल में नहीं आए हैं, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में जब प्रमोट किया गया था उसी प्रमोट में आपके जो एग्ज़ाम हैं वो क्लियर हो गए। अब आपको सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको ऑप्शनल 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया करेंगे, अच्छी तैयारी अगर करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप ये समझेंगे कि अभी सिलेबस कम है, समय कम दिया है, तो आगे हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, नहीं, जब तक आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, जब तक आप अच्छा लिख के नहीं आएंगे, तब तक आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी आपके पास 20 दिन का समय, 20 दिन में आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी के साथ आप 20 तारीख को अपना एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आपको फाइनल ईयर की डिग्री में आपका परसेंटेज जो है वो अच्छा आने की उम्मीद हो जाए। अगर अच्छे परसेंटेज अगर आपके आएंगे तो ही आप आगे काफ़ी कोर्सेज में जो है वो शामिल हो पाएंगे। पीटीटी का एग्ज़ाम जो फाइट करते हैं उसमें आपको मैं क्राइटेरिया बता दूं कि जब तक आपके 50% अंक नहीं आएंगे तो आप बीएड के एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। बीएड का एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, तभी आप बीएड कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि 50% नंबर जब तक आपके नहीं आएंगे फाइनल में, सेकेंड ईयर में दोनों में मिला के, फर्स्ट ईयर में आप प्रमोट हुए हैं वहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं मिले हैं, इसलिए सेकेंड ईयर और फाइनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हुए आपको सेकेंड ईयर की अच्छी तैयारी करनी है, और अच्छी तैयारी करके फाइनल में भी अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। अच्छे मार्क्स प्राप्त करके 50% से ऊपर अगर आप मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपको बीएड में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपको बीएड में आसानी से आपको पीटीटी का एग्ज़ाम फाइट करने का मौका मिल जाएगा।
बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 49% होते हैं, 45% होते हैं, 46% होते हैं, 40% होते हैं, वो बीएड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पात्रता नहीं है। मिनिमम जो है वो 50% का क्राइटेरिया है, 50% से कम बीएड में आपको दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों आज ही लग जाओ, अभी लग जाओ और तैयारी शुरू कर दो। आपका 20 तारीख को एग्ज़ाम फाइनली और क्लियर हो चुका है। फाइनल 20 तारीख से आपका जो एडमिट कार्ड जो है वो आपके करीबन 15 तारीख तक आ जाएंगे। 15 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपको अपने नियम के अनुसार कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाके आपको एग्ज़ाम देने हैं। लोहिया महाविद्यालय या फिर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के नीचे आने वाले सभी स्टूडेंटों को ये मेरा मैसेज है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, अगर कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न हो तो वो अपना कन्फ्यूज़न अपने पास न रखें, वो मेरे साथ शेयर कर लें, मैं उनका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा ताकि उनको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि पिछली बार अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसको लेके फेसबुक और व्हाट्सएप पर दुनिया भर की फेक न्यूज़ आई थी। उस फेक न्यूज़ को लेके काफ़ी स्टूडेंट परेशान भी हुए थे, काफ़ी स्टूडेंटों को काफ़ी परेशानियाँ दिक्कत भी आई थी। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं यूट्यूब चैनल बना के सभी बच्चों को एक सही जानकारियाँ और एकदम अच्छी जानकारियाँ उन तक भेजूँगा ताकि वो उनको किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न ना हो और कोई किसी प्रकार का कोई गुमराह ना होना पड़े। व्हाट्सएप पे जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारी कटिंग आती हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं, आप समय पे पेपर देते हैं उससे आप कन्फ्यूज़न लेके चलते हैं, इसलिए आपको बार बार इससे सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको मैं ये सब जानकारी जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च करके सारी जानकारियाँ जो हैं वो आप सुन लेंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई गलतफहमी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और बाकी जो जानकारियां हैं वो जानकारियां मैं आपको समय समय पर सारी जानकारियां देते रहूँगा और सारे वीडियोज़ जो हैं वो आप फॉलो करते रहिए। हमेशा एक चीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ और अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो भी वीडियो अगर आप प्ले करके देखते हो तो कम से कम लाइक और कॉमेंट देखिए। लाइक और कॉमेंट करने से मुझे ये लगता है कि हाँ स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट इस चीज़ को सुन रहे हैं जो मैं मैसेज उन तक भेज रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग इसमें लाइक और कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं तो फिर बाकायदा आप मेरे को कमेंट के जरिए कम से कम प्रोत्साहित तो कीजिए। लाइक और कमेंट करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं भी आगे से आगे आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप इतना वायरल कीजिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी क्लासमेट स्टूडेंट हैं जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, इस चैनल के बारे में पता नहीं है, मेरी सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जितना हो सके कॉलेज में सभी के साथ शेयर करो ताकि ये सब जानकारियों से कोई भी स्टूडेंट वंचित ना रहे। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ और कोशिश करता रहूँगा कि मैं चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवा सकूँ ताकि उनको सारी की सारी जानकारियाँ जो हैं वो मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। मैंने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी शुरुआत की है, इतनी अच्छी जानकारियाँ जो मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेके आता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया कीजिए, लिंक को शेयर कर लो, लाइक और कमेंट तो करना ही करना है, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल का जो लिंक है उस लिंक को शेयर कर लिया करो ताकि सभी स्टूडेंटों के पास में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो उसको सब्सक्राइब कर लेगा। नोटिफिकेशन ऑन करके रखा करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत स्क्रीन पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज मैंने नया लेटेस्ट वीडियो क्या अपलोड किया है। इसलिए आप मैक्सिमम जो है वो सब दोस्तों के साथ में शेयर किया गया, शेयर करते हो आप लोग, फिर व्हाट्सएप की काफ़ी चीज़ें शेयर करते हो तो कुछ अच्छी चीज़ें भी शेयर कर लिया करो ताकि आप ही के दोस्तों को सारी जानकारी मिल जाए, आपके दोस्तों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बाकी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, सभी जानकारियाँ जो अन्य जानकारियाँ जो अलग अलग डिपार्टमेंट की जानकारियाँ वो सारी मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लाइक कॉमेंट और शेयर तीनों चीज़ें आप जिम्मेदारी के साथ सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।